नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले पराठे बनाएंगे। हम बनाएंगे आलू के पराठे। ये पराठे हम सुबह नाश्ते में बना सकते हैं, लंच में बना सकते हैं और डिनर के लिए भी बना सकते हैं। हमेशा ही अच्छे लगते हैं। तो आइए आलू के पराठे बनाना शुरू करते हैं। हमने बड़े प्याले में 2 कप गेहूँ का आटा लिया है। इसमें हम आधा छोटी चम्मच नमक डालेंगे और 1 छोटी चम्मच तेल डाल देंगे। मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए नरम आटा गूंथेंगे, जैसा कि हम नॉर्मली रोटी पराठे बनाने के लिए गूंथते हैं। ये हमने नरम आटा लगाकर तैयार कर लिया। आटे को ढक करके हम 20-25 मिनट के लिए रख देंगे। आटा सेट हो जाएगा तब हम पराठे बनाएंगे। और जब तक हमारा आटा सेट हो रहा है तब तक हम आलू की स्टफिंग बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये हमने 5 उबले हुए आलू लिए हैं, 300 ग्राम आलू हैं। इन्हें हम छील करके मैश कर लेते हैं। ये हमने आलू को बारीक तोड़कर तैयार कर लिया। अब हम इसमें मसाले मिलाएंगे। तो आधा छोटी चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक है डाल देंगे या स्वादानुसार नमक ले लेंगे। 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 हरे मिर्च बारीक कटे हुए, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर, 1 छोटी चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक और 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिलने तक मिलाएंगे। ये हमने आलू में सारे मसाले अच्छे तरीके से मिला दिए हैं। आलू की पिट्ठी बनकर तैयार है। 20 मिनट हो गए हैं, हमारा आटा भी सेट होकर तैयार है। हाथ पर थोड़ा सा तेल लेकर हाथ को चिकना करेंगे और आटे को थोड़ा सा मसल लेंगे। इतना आटा गूंथने में हमने 1 कप से थोड़ा सा कम पानी यूज किया है। पराठे बनाने के लिए तवा गरम कर लेते हैं। आटे से थोड़ा सा आटा लेंगे। पराठे अपनी पसंद के अनुसार थोड़े से बड़े, थोड़े से छोटे या मीडियम साइज के बनाए जा सकते हैं। तो हम ये थोड़ा सा आटा ले रहे हैं, 1 नींबू के बराबर। आटे को गोल करेंगे, लोई बनाएंगे इस तरीके से और सूखे आटे में लपेटेंगे। लोई को 3-4 इंच के व्यास में बेल लेंगे और जितना आटा लिया है उतनी ही स्टफिंग भर लेंगे। तो हम इस तरीके से स्टफिंग निकाल लेते हैं। बहुत ज़्यादा स्टफिंग नहीं डालेंगे, वैसे तो थोड़ी सी कम थोड़ी सी ज़्यादा अपनी पसंद के अनुसार आप स्टफिंग भर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टफिंग नहीं भरेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टफिंग डालेंगे तो पराठे फट सकते हैं। और पराठे को चारों तरफ से उठाकर स्टफिंग को अच्छे तरीके से पूरी तरह बंद करेंगे। उंगलियों से भरे हुए पराठे को हम इस तरीके से दबा देंगे ताकि स्टफिंग पराठे के अंदर चारों ओर एक जैसी फैल जाए। पराठे को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं दबा करके इस तरीके से। थोड़ा सा इसे हम सूखे आटे में लपेटेंगे, एक्स्ट्रा आटा हटा देंगे और मोटा पराठा, थोड़ा सा मोटा पराठा बेलकर तैयार करेंगे। स्टफ्ड पराठा है तो बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे और बेलते समय पूरा ध्यान रखेंगे कि पराठे के ऊपर हमारा दबाव ज़्यादा ना लगे, हल्के दबाव से पराठा बेले ताकि वो अच्छा बेलकर तैयार हो, पराठा फटे ना। हमारा तवा भी गर्म हो गया है। तवे पर हम थोड़ा सा तेल डालेंगे और चारों ओर फैला देंगे। पराठा तवे पर सिकने के लिए डालेंगे और पराठे को नीचे से हल्का सा सिकने तक हम इसे सिकने देते हैं। और जब तक हमारा पराठा सिक रहा है इधर हम दूसरा पराठा बेलकर बिल्कुल इसी तरीके से तैयार करेंगे। पराठे का ऊपर का कलर थोड़ा सा डार्क हो गया है, इसका मतलब पराठा हमारा नीचे से थोड़ा सिक गया है। इसे हम पलट देते हैं और पराठे को दूसरी ओर भी हल्की सी चित्ती आने तक सिकने देते हैं। पराठे पर हम ऊपर की ओर थोड़ा सा तेल डालेंगे और चारों तरफ फैलाएंगे।
पराठे को पलट देंगे और इस ओर भी हम थोड़ा सा तेल डालेंगे और चारों ओर फैलाएंगे। अब हम गैस मीडियम रखेंगे और पराठे को इस तरीके से चारों ओर से हल्का सा दबाते हुए दोनों ओर अच्छी ब्राउन चित्ती आने तक सेकेंगे। पराठे पर दोनों ओर अच्छी गोल्डन ब्राउन चित्ती आ गई है, इसे हम उतार कर प्लेट पर रखी हुई प्याली के ऊपर रख देंगे या फिर खाने वाले की थाली में डायरेक्ट परोसेंगे। जब पराठा तवे से उतरकर डायरेक्ट खाने वाले की थाली में जाता है तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। और इसी तरीके से हम सारे पराठे बेलकर सेककर तैयार करेंगे। ये हमने सारे पराठे सेककर तैयार कर लिए और इतने आटे में हमने 6 पराठे बनाकर तैयार किए हैं। और अब हम पराठों को कटोरी पर से हटा लेंगे क्योंकि हम डायरेक्ट प्लेट में पराठे को पहली बार इसलिए नहीं डालते, पराठा एकदम गर्म होता है और प्लेट ठंडी होती है, तो पराठे से भाप निकलती है और पराठा सौगी हो जाता है। अगर प्याली पर रखें तो हवा लगती रहती है, पराठा सौगी नहीं होता। आलू के गर्मा गर्म पराठे तैयार हैं, बहुत ही स्वादिष्ट पराठे बने हैं। आलू के पराठे को दही, चटनी, अचार, मक्खन या किसी भी ग्रेवी वाली सब्जी के साथ में परोस सकते हैं। आलू के पराठे बच्चों के टिफिन में रख सकते हैं, उन्हें ये बहुत पसंद आते हैं और इन्हें बनाना बहुत आसान है। थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब आप स्टफिंग भर रहे हैं तो अच्छे तरीके से उसे बंद कर लें, उंगलियों से उसे दबाकर एक जैसा फैला लें और बेलते समय हल्के दबाव से हल्का सा मोटा बेलें। इसके बाद दोनों ओर अच्छी ब्राउन चित्ती आने तक सेक कर तैयार करें। आप बहुत अच्छे आलू के पराठे बनाएंगे। तो आप इन्हें बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।